गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हिंदी मीडियम में तो कक्षा 7 के लिए यानी क्लास 07 मैथमेटिक्स चैप्टर 01 पार्ट 05 एपिसोड नंबर 05 और टॉपिक फर्स्ट डिवीजन। जल्दी करो भाग, ये है आपकी मेन टॉपिक। जल्दी भाग हम कैसे करें? तो जल्दी भाग कैसे करें, तो ये बात को हमको सीखना है। तो देखो, 6 क्लास में तुम लोग को हमने मल्टीप्लीकेशन सिखाया, 5-6 में फर्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया। तो चलो डिवीजन का हम करते हैं। जैसे 236 गुने 72, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 6 दुना 12 की तू हाथ में, 3 दुना 6 7 6 42, 42 6 48, 48 1 49 की 9 हाथ में, 4 2 दुना 4 07 या 21, 21 4 25 4 29 की 9 और 2 7 14 2 16, यानी यहां पर 16,992 डिवाइड करना है। थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि डिवाइड करने का मेरे पास तरीका कुछ अलग है। पहले जनरल तरीका से तू डिवाइड करता है, पहले करना सिखा देता हूं। 2 बार में लगेंगे 144, तीन बार में लग जाएंगे 6 बार में लगेंगे ए डिवाइड। जनरल तरीका अब तुम्हें ऐसे रहेगा, और ये 72 से भागा देना है, तो इसके 2 अंक पर हम बात करें। आंसर है डायरेक्ट निकाले, 7 दूनी 14, 2 9 29 बच जाएगा, और चूंकि ये 2 बार में लगा है तो 2 दूना 4 यहां 25 आ जाएगा। अब 25 को हम लगा सकते हैं 7 या 21, यहां 4 और ये फिर 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 43, ये लग सकता है 6 बार में, और 7 6 42, 1 आ गया 2 उधर गया, और यहां पर इसको हमको करना होगा 2 6 12 और ये 0 0। आंसर तुम्हारे पास आ गया दोस्तों, कैसा लगा? ये देखो, 72 का 12 पढ़ने से हमको तकलीफ होती है, ऐसे मार दिया, मारा कि नहीं मारा, ये मारा या नहीं मारा? मारा, यही काम तो हम सिखाते, क्योंकि हमारा आदत है ना मैथमेटिक्स में इंजॉय करवा। गणित एक मनोरंजन का सब्जेक्ट है, मजा लेने का सब्जेक्ट है। अरे 73 है ना, इसकी गुणा कर दो जो मन करता है उससे, 416 से। अब यहां 416 और 73 है, यहां 0 है, 6 3 18, यहां 3 7 6 42, 42 से 3 45 है, 1 46 की 6 है।
अगला हाथ में चार, चार तिहाई 12, 0 7, तो 12 7 19 4 23 की 3 और 7 6 28, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब तुमको यहां पर 28 368 बटे 73, तो कैसे करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहां पर देखो 7 6 4 बार में लग सकता है 7 6 28, यहां हाथ वाली बात छोड़ दिया है, 4 3 12, यहां हाथ में गुना करने में गलती, यहां 28, यहां पर 6 3 18 की 8, हाथ में 1, यहां 3 और 7 6 42, 3 45 और 1 46 की 6, हाथ में 4, 4 3 12, ये 0 7, 12 7 19, 19 4 23, हाथ में 2, यहां पर हाथ में 2 था तो 30 होगा, यानी यहां पर 30, 30 में 7 से हम भागा देंगे तो 7 6 28, हाथ में 2 और 23, तो यहां पर 4 3 12 घट गया तो 11, अब 11 आया, ये 7 से भागा देंगे एक बार में लगेगा, और ये 7, ये 4 आ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही, 46 हो गया और 3 1 3 लगा 43 हो गया, अब हम लोग एक जगह 7 6 42, ये 42 हो गया और हाथ में 1 आ गया, उत्तर गया यहाँ पर तुमको 8 और 6 2 18 हो गया और 0 0 पर गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, कैसा लगा, बिल्कुल सही। तो आपको कैसे, आपको रिमाइंडर निकाला है, सारा चीज आपको डिवीजन मुझमा ने सिखा दिया गया, अगर जिसकी टेबल आता है ना उससे भी हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये बात तो हम लोग करेंगे, तो आइए हम लोग करते हैं। ये 7 है ना, इसको ऐसे काट देना, 7 6 28, हाथ में 2 23, 7 21, 21 होने से 2 6 26, 7 21 5 8 58 और 7 8 56, हाथ में 2 आ गया, पॉइंट बैठाया, 20 हो गया और 7 9 14, 6 हो गया और 6 हो गया 7 8 56, यानी 4 7 5 35 35 35, ये आ गया डिवीजन, कैसा लगा, लगा कि नहीं लगा, डिवीजन पास हुआ कि नहीं हुआ, 5 क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया कि नहीं सिखाया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिखाया, अब 7 क्लास में डिवीजन भी सिखा रहा हूँ, अब कुछ कैजुअल डिवीजन भी रहते हैं जो 10th क्लास में तुमको काम देंगे, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट करने में, अब हम लोग को करना रहेगा डिवीजन, कर दोगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा आंसर, मजा आएगा ना। अरे भाई हम तो, हमारा जन्म भी इसीलिए हुआ है, गणित को मनोरंजन का सब्जेक्ट बनाना, यही हमारा मकसद है, गणित से लोग डरते हैं, गणित से डरते हैं, गणित को सही कर देना तब एक हमारा जीवन, ये जीने का जो मूल है ये हमारा है, गणित से लोगों को प्यार करवा, 72 73 की पारा नहीं आता था, फटाफट निकाल दिया, निकाला कि नहीं निकाला, मेरा मकसद बस ये है, मकसद मेरा एक ही है, गणित से जो डर है लोगों के बीच में इसको हटा देना, हटेगा कैसे, इस ढंग से हटेगा, आइए हम लोग देखते हैं, यहां पर 7 है बटे 16 है, जानते हो इसको भागा देने में, क्योंकि टर्मिनेट होने के लिए 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए, यहां 16 है तो 625 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, अब नीचे तो 1 पर 4 0 हो गया, ये 4 0 लिखने की जरूरत नहीं, अब इससे इसको मल्टीप्लाई, 7 5 35 की 5, हाथ में 3, 7 14 14 3 17 और 7 6 42 1 43,
चार अंक के बाद दशमलव 0.4375। दिस इज द आंसर। मजा आया क्या? यही अगर रहता 7.625 रहता तो ऊपर 16 से गुना, नीचे भी 16 से गुना, और 16 से 72 से 112/1/4 0 यानी 0.0112। तो कैसा लगा ये बात को? क्लियर हो गया? नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो आपको कैसे करना है गणित के बारे में ये जानना बिल्कुल ही जरूरी, कि वहां पर 2 और 5 को हम करते हैं बैलेंस और भागा देने के लिए हो जाता है दशमलव खिसकाना। और दशमलव खिसकाना तो बहुत अच्छा होता है ना, ये तो इतनी अच्छा होता है कि तुम समझ नहीं पाओगे। अब तुम्हारे पास टेबल को कैसे डिवाइड करना है ये बात को तुमको करने आ गया, 5 डिवीजन कैसे करना है ये तुम्हें करने आ गया है। आया कि नहीं आया? तो आपने 5 क्लास में क्या देखा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 6 क्लास में क्या देखा? मल्टीप्लिकेशन। और 7 क्लास में क्या देख रहे हो? डिवीजन। तुम्हें बताओ डिवीजन तुम लोग को आया कि नहीं आया? डिवीजन कैसा लगा इसके बारे में प्रतिक्रिया दो। डिवीजन कैसा लगा इसके बारे में प्रतिक्रिया दो। डिवीजन करने आ गया कि नहीं आ गया? तो डिवीजन आपको आ गया। इस डिवीजन करने में तुम्हें कोई तरह का दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पारा पढ़ने की कोई 9 तक पारा बहुत काफी है, काफी है 9 तक टेबल। बाकी डिवीजन का हम कर देंगे कंट्रोल। ये बात को कैलकुलेशन का आपको जो है, फिर हम जो है हायर अलजेब्रा लेके भी आएंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, कृति श्रीवास्तव जी आप जुड़ चुके हैं, लेकिन क्लास आप लोग को 8 बजे से होगा, क्योंकि अभी मुझे एक वीडियो अभी और पेश करना है, तब फिर हम आपको जो है बातें होगी। यहाँ पर तुम्हारे पास जो है ना, अभी हम लोग कैलकुलेशन को देख रहे थे, बहुत बेहतरीन ढंग से देख रहे थे, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं, और सारे लोग ने अच्छे से कर लिया है। तो हम लोग ने 5 क्लास की वीडियो बना दिया, 6 क्लास की वीडियो बना दिया, 7 क्लास की वीडियो बना दिया। 5 क्लास में आज जो हमारे पास जो चलने वाला था वो चलने वाला था एडिशन सब्ट्रैक्शन, और चल गया है। और 6 क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन फास्ट करके सिखाया जापानी टेक्नोलॉजी से लेकर, और मल्टीप्लिकेशन को डिविजन को चेक करना फिर तुम्हारे पास आम बात है। अब तुम्हारे पास जो हम लोग को बात करेंगे, इसमें कोई तरह का दुमत की बात नहीं है, आपको हम लोग बात कर रहे थे और अच्छे ढंग से कर रहे थे, क्योंकि मेरा मकसद मैथमेटिक्स को सिखाना हमारी पहली है, मैथमेटिक्स को स्नेह कराना। ये एजुकेशन का युग है, जिसके पास एजुकेशन रहेगा वही आगे बढ़ेगा, और एजुकेशन में पहला सब्जेक्ट आता है जिसकी उपाधि गणित को दिया गया है, ये सभी सब्जेक्ट का मदर है, मदर है भाई। तो इस गणित को सीखने के लिए, सिखाने के लिए हम जो है आपको सिखा रहे हैं, माने 5 क्लास से लेकर MSc तक, 5 क्लास से लेकर MSc तक आपको गणित का वही स्नेह दूंगा जो 5 क्लास के विद्यार्थी को देता हूं, 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, इसी ढंग से 11th का 12th का, BSc Part 1, BSc Part 2, BSc Part 3 एंड MSc Part 1 एंड MSc Part 2। अगर हम बात करें टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात अगर हम करें, तो M1 मैथमेटिक्स, M2 मैथमेटिक्स, M3 मैथमेटिक्स, और सारे मैट्रिक टेक्निक से भरपूर, यही हमारा मकसद है मैथमेटिक्स को सिखाने का, यही मकसद है। यानी अगर भाई बहन अंकल चाचा चाची जो भी होकर होंगे टेक्निकल का, तो वो भी टेक्निकल का भी वीडियो बनेगा, M1 M2 M3 M3 में न्यूमेरिकल टेक्निकल ऑपरेशनल रिसर्च सिंप्लेक्स मेथड से लेकर सारे मेथड को कैसे हम फास्ट करें, ये सारे चीज आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो हमारी चैनल का नाम है क्रिएटर सुपर 30। और अब क्वेश्चन आंसर की सेशन आ गया, अपने से डिवीजन का खूब प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। एक बार केजुअल यानी 5 के पावर 2 के पावर में रहेगा तब उसको हम लोग कैसे करते हैं, टर्मिनेट कैसे करते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि 72 से 73 से 76 से 78 से जो भी से आपको डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर दीजिए, तब तुम्हारे पास कैसे स्पीड हम लोग को बढ़ेगा, ये बात को तुमको जानना है जरूरी। और तुम लोग ने कर दिया है, ये तुम लोग का बहुत अच्छा बात है। ये क्वेश्चन सेशन में हम लोग चल रहे थे, उसके बाद अगर टेबल तुमको याद है ना, क्योंकि ये डिवीजन ये फास्ट करना जानना बहुत जरूरी, पॉइंट का रियल कंसेप्ट को जानना जरूरी,
और कैसे करना है ये भी जरूरी है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 4-5 मिनट तो तुमको जरूर इसमें लगेगा और फिर धीरे धीरे स्पीड तुम्हारे पास बढ़ जाएगा। ये तुम्हारे पास जो है वादा करो कि तुम लोग जो है इस चीज को कर रहे हो, अगर कर लोगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, और नहीं करोगे तो करने का प्रयास करो, क्योंकि हम आपको गणित सिखा कर ही दम लेंगे, क्योंकि हम 5 क्लास को भी सिखाते हैं, 6 क्लास को भी सिखाते हैं, 7 क्लास को भी सिखाते हैं, 8 क्लास को भी सिखाते हैं, 9 क्लास को भी सिखाते हैं, 10th का भी सिखाते हैं, 11th 12th BSc और MSc 20 को भी मैथमेटिक्स सिखाते हैं। अगर टेक्निकल की बात करें तो पॉलिटेक्निक का भी मैथमेटिक्स, और जो है बीटेक वाला मैथमेटिक्स, और एमटेक का भी मैथमेटिक्स। एमटेक में जो 5 जो बेहतर बेहतर मैथमेटिशियन है वो आपको जो है आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, चाहे वो BS अग्रवाल की बात करें हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, या विदेशी बुक की हम बात करें तो सभी विदेशी बुक का यहाँ पर सोल्यूशन इस क्रिएटर सुपर 30 के चैनल पर। तो अब जो है आप लोग करें।